डिलीवरी होने के बाद वो डॉक्टरों ने वहां से वो बच्चों को खींच लिए थे, इसलिए वो उसका लेफ्ट हाथ नहीं काम करता है। वो बहुत गरीब लोग थे, इसका ट्रीटमेंट के लिए पैसा नहीं है, इसलिए वो देख कर मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि मैं भी गरीब हूँ, मेरे पास देने के लिए पैसा नहीं है। कितना लोग है, बड़े बड़े लोग है इधर उसका गाँव में, लेकिन कुछ भी नहीं, उन्हें हेल्प नहीं किया। मैंने सोचा हमें पैसे मिलेंगे तो हम देंगे, वो बच्चे ठीक हुए तो हमें भी खुशी। हमारा उड़पी में श्री कृष्ण जन्माष्टमी आएगा तो वो वेश पूरा देखने के लिए लोग किधर किधर से आते थे, इसलिए मैंने एक सोचा वेश डालकर कितना पैसा आता है वो बच्चों को देना चाहिए उसका इलाज के लिए। दो दिन में 1 लाख से ज्यादा पैसा मिला, बहुत खुश हुआ। मेरा लाइफ में मैं उतना पैसा पहले बार देखा। उसका हाथ तो ठीक हुआ, वो अभी हाथ उठा के रवि मामा टाटा बोलती है, वो मेरे को बहुत खुश होता है। मैं हमने सोचा 1 साल करके हम चुप नहीं बैठेंगे, साल से साल करेंगे। एक वेस्ट डालने के लिए 22 आवर्स चाहिए, और 3 दिन मेरे को नींद नहीं है, खाना नहीं है, स्ट्रॉ से पानी पीना पड़ेगा। खाना खा गए तो मेरे को टॉयलेट जाना पड़ता है। वेस्ट डालने के बाद किधर भी नहीं जाना चाहिए। एक एक बच्चों को ढूंढ कर हम पैसा देते हैं वो बच्चे के इलाज के लिए, क्योंकि वो लाइफ लॉन्ग कष्ट में है। 3 दिन में खाना छोड़कर कुछ भी नहीं होगा, हमारा वेट थोड़ा कम होता है ना, वो परवाह नहीं है मेरे को। वो लोग पैसा देने वक्त हमें देखकर खुशी होता है, तो वैसा हमें जोश आता है। सब बच्चे ने हमें हेल्प किया, वो बच्चे ने, वो ठीक होकर दूसरों को हेल्प करना चाहिए, सही ना, ये सोचता हूँ मैं। इसलिए मैं आपसे सबसे पूछता हूँ, एक विनंती करता हूँ, आप मुझे सब लोग मुझे हेल्प कीजिए, वो क्योंकि वो बच्चे का जिंदगी का सवाल है।